सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। अपने बच्चों को आप देने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदा, आपके बच्चे 30 नहीं 60 नहीं खुदा इस वचन की खुराक को खाकर 100 गुना बलवान बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपकी सुनेगा? जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे आज यीशु के नाम में, आमीन। अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएंगे आज आप, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम जल्दी से निकालें यशायाह की किताब, यशायाह 14 चैप्टर उसका 27। यस, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है। पहले निकालो, सब निकालो, शाबाश, जल्दी से निकालें, शाबाश। सब अपनी बाइबल को खोलें। आज प्रभु तेरे कलाम के पढ़े जाने पर लोगों के घर में आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ो। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो ठान लेते हैं कि जो करना चाहते हैं वो करके दिखाएंगे? कितने लोग ऐसे ठान लेते हैं? कई बार ठानते हैं आप कई बार कि जो मैंने ठान लिया उसे पूरा करके दिखाऊंगा? हम ठान लेते हैं कई बार, जोश में होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है, और वो लोग अपनी जिंदगी में काम करते हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन यहां पर यशायाह की पुस्तक में लिखा 14:27 में कह रहा है क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने कह रहे कि ठान लिया है, ऐसी युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज वो टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो ठान लेते हैं कि उसे पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन लिखा जो खुदा ने ठान लिया उसे पूरा करेगा। हालेलुया। आपने कई बार ठान लिया है लेकिन आपका ठाना हुआ कई बार पूरा नहीं होता, आप जो युक्ति सोचते हैं जो प्लान बनाते हैं वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जो मैंने प्लान तुम्हारे लिए किया है वो कह रहा है कि मैं पूरा करके रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि परमेश्वर ने आज प्लान कर लिया है किसी के लिए कि मैं इसकी प्रमोशन करूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने ठान लिया है किसी व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। कौन है आप? आप चुने हुए लोग हैं, आप पवित्र आत्मा के चुने हुए लोग हैं, वो भक्त हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जितनों ने मुझ पर विश्वास किया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, और अधिकार ही नहीं कह रहे कि अब से कह रहे कि मैंने ठान लिया उनके लिए, कह रहे जो वो चाहेंगे मैं उनके लिए पूरा करके दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों के लिए ठान कर बैठा है आज, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो यहाँ चर्च आए आज, उनके लिए ठान कर बैठा है परमेश्वर। क्या कह रहा है उनके लिए? कह रहा है अब मैं इन लोगों की प्रमोशन करूंगा, मैं इन लोगों के कामों को बढ़ाऊंगा। कह रहा है कि आज परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा है कि आज आपकी तरक्की होगी, आपके चर्च की ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपके बैंक की ग्रोथ होगी, आपके बच्चे का माइंड खुलेगा, जो रास्ता बंद पड़ा वो खुलेगा आज। आमीन। किसने ठान लिया आज? मेरे यहोवा जोरावर ने ठान लिया आज कि मैं तुम्हारी तरक्की करूंगा। कोई माइका लाल परमेश्वर के प्लान को आपके जिंदगी में पूरा होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। याद रखना, कह रहा है कि अपनी सोच अपने विचारों को आज हटा दो। कह रहा है कि इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर माय लाइफ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर मेरी लाइफ में कह रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो पूरा ना हो। परमेश्वर ने प्लान कर लिया है, परमेश्वर उस प्लान को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है आज आपको, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचपन में ही कह रहे कि माँ के पेट में चुन लिया था कि तुम्हारा प्लान बेशक फेल हो जाए लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया है, कहता है इस बंदे को मैं आज राजा बनाकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तुझे राजा बना के भेजेगा, तेरे बच्चों को आईएएस अफसर बनाएगा, तेरी ग्रोथ करेगा।
किसने ठान ली है ये बात? परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया कि मैंने कुछ बनाना है आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ना बनाए। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, एक लड़के का एग्जाम था और पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया ऐसे करके। उसका अच्छा ये लड़का तो मैं ही हूं, दिखा ना और स्क्रीन पे दिखा। और वो लड़का उल्टा लटक गया और उल्टा लटकने के बाद क्या कर रहा है? अबे लाली बड़ा बदतमीज है तू यार, इतनी देर इसमें गड़बड़ी कर रहा है, जाए ओए कालू उसके पास जा। सारे बोल हालेलुया। एक लड़का स्क्रीन पर लटका हुआ है, देखो दिखा दे चाय पीने चला गया क्या? चलो मान लो एक लड़का लटका हुआ है, ये मानने नहीं वाला। देखो एक बच्चा है छोटा सा, आओ बेटे कोई लड़का छोटा सा, शाबाश दौड़ के आऊं। एक लड़का जाए शाबाश दौड़ के आ जा, हाँ शाबाश जल्दी। इसका एग्जाम था और ये ऐसे लटका हुआ है, कैसे दिखा दे कैमरामैन, पागल किंग का ऐसे लटका हुआ है। हालेलुया। वो देखो स्क्रीन पे अब दिखा रहा हूं उसको, फोटो मिली है, ऐसे लटका हुआ है। उसके बाप ने पूछा क्या बात है ऐसे क्यों लटका हुआ है? उसके बाप ने पूछा ऐसे क्यों लटका हुआ है? कहंदा मेरा एग्जाम आ आधे घंटे बाद, कहंदा मेरे सिर च दर्द हो गया, कहंदा कि मैं क्या आज गोली, मैं क्या पहला पेट च जाएगी फिर उत्ते आएगी फिर सिर दर्द ठीक होएगा, कहंदा मैं पहला ही पुट्ठा हो जाता सीधी गोली सीधी जाएगी अंदर। हालेलुया। कह रहा जो गोली है सिर दर्द की खाई है, कह रहा पापा वो पेट में जा रही है, ऐसी पी रहा हूं तो पेट में जा रही है, टांग में लगेगी टांग दर्द ठीक हो जाएगी, कह रहा सिर में तो जा नहीं रही, कहता मैं खाता हूं तो सिर में जाएगी अब और उल्टा लटक गया और कह रहा कि आते घंटे में ठीक हो क्या होगा। मतलब उसने प्लान बनाया, उसने ठान लिया कि डॉक्टर फेल है, वो गोली ऐसे नहीं घूम के नहीं ऐसे ऐसे करने से सीधी सिर का दर्द आते घंटे में ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपने बड़े प्लान सजोए हैं, बड़े सपने सजोए हैं, आपने बहुत युक्तियां की हैं, लेकिन एक भी युक्ति कई बार आपकी सफल नहीं हुई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि जितने मेरे भक्त हैं, अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ सही है, अगर परमेश्वर के साथ आपने एक निजी रिश्ता बनाया है अपने करैक्टर में, अपने कह रहे गुण में, कह रहे परमेश्वर के गुण और आपके गुण उसके साथ मिलते हैं, अगर उसका रिलेशन है आपके साथ, आपने रिश्ता बनाया प्रार्थना करने से, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ठान लिया है मैंने आज ऐसे लोगों के लिए, कह रहा है मैं इनकी प्रमोशन करूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहोवा कहता है यशाया को, बोलता है कह रहा भविष्यवक्ता कह दे इनसे, कह रहा मैंने ठान लिया है, कह रहा जो मैंने युक्ति की है इनके लिए हानि के नहीं लाभ के लिए होगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज से परमेश्वर मेरा फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों का फेवर करेगा? कह रहे जो लोग कह रहे हैं कि इस समय परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं परमेश्वर के साथ, कोई जादू टोना, कोई विचार, कोई काला जादू, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई क्यों ना आपके बीच में आकर आपके प्लान को, परमेश्वर के प्लान को फेल करना चाहे। बहुत लोग आते हैं और लोग आकर बोलते हैं तुझे क्या मिला परमेश्वर के पीछे चलने के बाद, एक बच्चा नहीं हुआ तुझे, घर नहीं मिला तुझे, उल्टा तेरा घर के लोग बीमार हैं, समस्या में, प्रॉब्लम में, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है आपके जीवन से। हालेलुया। आप चुने हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं, आपके ऊपर चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने एक प्लान कर लिया, आज रात मैं इनको बढ़ाई बढ़ाऊंगा, आज ग्रोथ करूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किन लोगों की ग्रोथ होगी? कह रहे हैं जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर का कोई बहुत बड़ा प्लान है मेरे जीवन से। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है मेरे जीवन से। याद रखना परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि वो आपको एक शोरूम दे दे या एक झोपड़ी दे दे, एक दुकान दे दे नाई की या हलवाई की। परमेश्वर जब फेमस करता है बंदे को, याद रखना कह रहा है कि वो एक देश में नहीं पूरी दुनिया में फेमस करता है उसको। हालेलुया। हम पढ़ते हैं नीति वचन के बारे में कि देखे नीति वचन में क्या लिखा। हाँ ध्यान से पढ़ेंगे नीति वचन में,
21 के 25 में पढ़ेंगे। हाँ, आलसी अपनी लालसाही में मर जाता है। आलसी अपनी लालसाही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। आज बहुत सारे लोग ये जान चुके हैं कि परमेश्वर ने आपको मसीह में क्यों बुलाया। इसलिए बुलाया क्योंकि हर व्यक्ति इस बात पर बिलीव करे कि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना आपके जीवन से है। आमीन। तुम छोटे लोग नहीं हो। आमीन। तुम्हें कोई तुच्छ जान रहा है लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम्हारे ही हाथों से आशीर्वाद पाया करेंगे। आमीन। करा तुम किसी के घर में जाओगे, करा उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। लोग कहेंगे थोड़े दिन में, करे ये क्या, पहले ये हमारे घर में आती थी, क्लेश होता था, आज ये पैर रखती है हमारे घर में, आनंद आता है। आमीन। क्यों? क्योंकि अब तुम मसीह में आ गए हो। परमेश्वर कह रहे हैं तुम शांति के दूत बनकर भेजे जाओगे, तुम आशीष के दूत हो। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है, गर्भ से, मां के गर्भ से चुना है आपको। लेकिन वो क्या कह रहा है, कहता है दो तरह के लोग हैं जो परमेश्वर के प्लान को, मैं कह रहा हूं कि ना जादू टोना, ना डंडा, ना हथियार, ना आपका दोस्त, ना आपका दुश्मन, अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि मुझे इसको राजा बनाना है, मुझे इसको अफसर बनाना है, कोई भी जादू टोना आपके ऊपर चलने ना पाएगा, याद रखना। लिखा याकूब के घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा चर्च, कि परमेश्वर ने ठान लिया है मुझे पूरा करना है। आप 7 बार गिरेंगे, परमेश्वर ने प्लान बनाया हुआ है, मैं फिर इसको उठाकर खड़ा कर दूंगा। आमीन। आपको दुश्मन गिराना चाहेगा, आपके ऊपर जादू टोना करना चाहेगा, आपके काम फ्लॉप करना चाहेगा, आपके ऊपर लड्डू रखे चला जाएगा, खून के छींटे डाल देगा, कबूतर आ जाएंगे, बिल्ली रास्ता काट देगी, छिपकली आंख मार के चली जाएगी, जो भी करके जाती है कुछ भी करके चली जाए, लेकिन क्या होगा पता है, आपका कुछ नहीं होगा, आपका भलाई होगा। आदरा आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोई नहीं रोक सकता मसीह लोगों की आशीष को, कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले अपने अंदर से बहम निकाल देना है। अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं है, अगर आपका आपके अंदर परमेश्वर के गुण नहीं है, कह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज जो आपके अंदर रुकावट आ सकती है वो है आपका मुंह, वो है आपका मन। जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, जब हम मुंह से कुड़कुड़ाते हैं और आलसी हो जाते हैं, परमेश्वर दो बातों के कारण कह रहा अपना प्लान उसकी जिंदगी में पूरा नहीं करता, मतलब लेट करता है। हालेलुया। करता तो है लेकिन कई लोगों के जीवन में वो करता नहीं है, फिर स्लो। परमेश्वर ने गाड़ी स्लो की है, छोड़ी नहीं है, दौड़ेगी आपकी गाड़ी। आमीन। हम सताए हुए हैं, त्यागे हुए नहीं है। बाइबल बोलती है तुम सताए जाते हो लेकिन याद रखना तुम त्यागे नहीं गए हो, परमेश्वर ने तुम्हें त्यागा नहीं है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, जब आपके साथ कुछ गलत होता है, तो ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है, और लोग आकर आपको सताते हैं, क्या करने गया था चर्च में, क्यों गया था, क्या मिला तुझे अब तक। लेकिन उस समय अगर जिस विश्वासी जो आत्मिक होते हैं वो ये बात बोलते हैं, तुझे नहीं पता, मुझे पता है, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान मेरी जिंदगी से है। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर कह रहा हूं तुम सताए जा सकते हो लेकिन त्यागे नहीं जा सकते। परमेश्वर ने तुम्हें त्यागा नहीं है, उसने तुम्हें पकड़ लिया है। पर यीशु मसीह वो चुंबक है जो पकड़ कर छोड़ता नहीं है, याद रखना। कह रहा शैतान आपको 10 बार गिराना चाहता है लेकिन परमेश्वर आपको उठाना चाहता है यीशु के नाम में। वो किस लिए आपको बार बार उठा रहा है, किस लिए, कि ताकि आप उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञा का पालन करें, ताकि परमेश्वर के प्रेम को जब आप देखें तो उस समय आप भर जाएं आत्मा से, आप आशीषों से भर जाएं। यहां दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना। बहुत सारे लोग दाऊद की कहानी पढ़ते हैं, दाऊद राजा था, लेकिन दाऊद के बारे में ये नहीं पता कि दाऊद राजा कैसे बना, क्योंकि दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर एक मेहनती लड़का था। उसने क्या किया, परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, क्योंकि दाऊद एक बार जब 15 साल की उम्र में वो भेड़े लेकर जा रहा था, तो उस समय में उसने भेड़ को देखा और उसी समय उसके ऊपर भालू ने झपटा मार दिया, और जैसे ही भालू ने झपटा मारा उसने भालू को पकड़कर दो फाड़ करके खा गया, फेंक दिया और उसी समय मार दिया उसको। और उसी समय कह रहा कि परमेश्वर ने देखा, अरे ये अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता है, आप भी एक भेड़ है। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। कहता है इसका मतलब ये चरवाहा सही है, ये अपनी भेड़ों से लिए रक्षा करना जानता है, ये अपनी भेड़ों के लिए। फिर शेर आया उसकी भेड़ों को मारने के लिए, फिर उसने शेर को भगा दिया।
और इसी समय परमेश्वर ने देखा ये अपनी भेड़ों से प्यार करता है, मेहनती है, ये अपनी भेड़ों की रक्षा करना जानता है। लेकिन जो उसके होर भाई थे वो कहते थे अरे जान दे शेर हो गया, जान दे यार, जान दे कौन डंडा लेके जाए बाहर, जाने दे परे, बाप को कह देंगे खा गया शेर, भालू खा गया, शेर खा गया। लेकिन वो लड़का मेहनती था, जंग लड़ना जानता था, हालेलुया, हिम्मत नहीं हारता था। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, प्रॉफिट को कहा, कह रहा जा फटाफट दाऊद नाम का, कह रहा नाम नहीं बताया, कह रहा यिशे नाम के लड़के, यिशे नाम के आदमी के पास जा और उसके लड़के के जाकर अभिषेक कर दे। और उसी समय जब शमूएल जा रहा था तो उसी समय उसके सामने उसका लड़का आया दाऊद का, और उसी समय उसको देखकर वो उसका अभिषेक करने लगा, कहता ये बहुत सुंदर है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा जो तू मन में सोच रहा है वो नहीं है ये लड़का। फिर दूसरा आया शमा, कहता कि ये भी नहीं है। और उसके बाद कह रहा कि सात बेटे उसके सामने लाए गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये वो बेटा नहीं है। और उसी समय प्रॉफिट ने कहा, कह रहा कि तेरे पास, कह रहा यिशे तेरे पास और बेटे नहीं है क्या? बोलता है एक बेटा बड़ा, कहता वो कह रहा कि धूप में भेड़े चरा रहा है। कह रहा सात बेटे घर में है लेकिन वो बड़ा बेटा बाहर काम कर रहा है। कह रहा इतनी गर्मी में भेड़े जगा रहा है, भैंसे जगा रहा है, पशु जगा रहा है। कहता है परमेश्वर ने इसीलिए इसको चुना है, ये मेहनती है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा जा, कह रहा जो भेड़े चराना जानता है, कह रहा जो मेहनती है, कह रहा जाकर इसको कह दे, कह रहा कि आज से, कह रहा परमेश्वर तेरा अभिषेक कर रहा है, राजा बनाएगा तुझे इसराइल के अंदर। ठान लिया है परमेश्वर ने इस व्यक्ति को राजा बनाने के लिए। किस व्यक्ति को? कह रहा है जो मेहनती है। याद रखना, कह रहा है कि अगर आज आप मेहनत करते हैं यहां पर आते हैं, अगर आज आप मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आपके अंदर गुण हैं, कह रहा है कि आप अपने माँ बाप के आज्ञाकारी हैं, कह रहा है कि आप परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं, तो परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा है किसी ना किसी को, कह रहा है ऑफिसर की गद्दी पर बिठाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, कर आपके बिजनेस को कहीं से कहीं लेकर जाएगा। उसने ठान लिया अपने अंदर, उसने पहले से ठान लिया 15 साल की उम्र में, कर दाऊद में तुझे राजा बनाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे अंदर कर परमेश्वर की भक्ति को देखा है, क्योंकि तूने मेरे साथ रिलेशन बनाया। हालेलुया, दो चीजों में रिलेशन बनाया उसने, एक तो भक्ति में, एक उसने अपनी स्पिरिट में। हालेलुया, एक उसने अपने करेक्टर में परमेश्वर के साथ, चरित्र में, उसने अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया, उसने अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया। हो सकता था अपनी गरीबी में, अपनी लाचारी में पाप से समझौता कर लेता, लेकिन उसने उस पाप से समझौता नहीं किया। आज बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते वो पाप से समझौता कर लेते हैं, किसी न किसी से करा समझौता कर लेते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन उसने हारा नहीं, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने कहा नहीं, करा के लोगों ने कहा, उसके बाप ने कहा, उसके रिश्तेदारों ने कहा, कितना गीत गाता है तू, इतना गाना गाता है, इतनी परमेश्वर की भक्ति करता है, फिर भी भेड़े चगा रहा है। बोलता है तुझे नहीं पता, एक दिन परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है मेरे जीवन से। आमीन। अरे जिस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, उसी दिन से उसके जीवन में समस्याएं शुरू हो गई। अरे कभी वो जंगल में, कभी वो घर में, कभी वो जंगल में, कभी वो घर में, इसका मतलब जिस दिन से वो प्रभु में आया उस दिन से उसके साथ समस्याएं शुरू हो गई। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप प्रभु में आते हैं तब आपके साथ समस्याएं शुरू हो जाती हैं और आप हार जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में कह रहा है कि समस्याएं आनी शुरू हो गई, जिससे उसकी शादी हुआ, उसका ससुर उसके पीछे पड़ गया भाला लेकर मारने के लिए, और उसके भाई उससे जलने लगे कि ये राजा बनेगा। और उसी समय जलने के कारण उसके पीछे पड़ गए, उसकी जान के दुश्मन बन गए। लेकिन उस समय भी, और वो भागता रहा, उसका मन करता था कि अंदर से कुड़कुड़ा दूं, लेकिन वो मेहनती था, फिर भी प्रार्थना करता रहा, भागता रहा, वो भाला चलाता रहा। वो रात को सो रहा था और शाऊल ने उसके ऊपर भाला चलाया, लेकिन क्या हुआ, वो भाला, वो तीर उसके पास नहीं लगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने भी भाले, तीर, कितने भी जादू टोने आपके ऊपर चलाए जाएं, परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा है कि एक भी तीर, एक भी हथियार तुम्हारी हानि ना करने पाएगा यीशु मसीह के नाम में, एक भी जादू टोना तुम्हारी हानि ना करने पाएगा। क्योंकि दाऊद के अंदर एक फैसला था कि परमेश्वर मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लान पूरा करेगा। हालेलुया, वो उस भविष्यवाणी को सोचता हुआ अपनी जिंदगी में चलता जा रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग जब प्रभु में आते हैं तो उस समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बहुत बार हमारे ऐसा होता है कि प्रॉब्लम, समस्याओं पर समस्या आती है, परिस्थितियों पर, एक परिस्थिति खराब होती है, दूसरी सिचुएशन एक और खराब आ जाती है। बहुत बार हमारे हालात बद से बदतर हो जाते हैं, लेकिन उस समय हम टूट जाते हैं। लेकिन दाऊद टूट सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा कि नहीं, कह रहा है कि मेरा परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, हालेलुया। अरे उसी समय कह रहा है कि जब उसे जंगल में जाना पड़ा, उसके लड़के उसके दुश्मन हो गए,
और उसी समय वो फिर भी कहता रहा, कहता परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, हालेलुया। और एक दिन शाऊल मारा गया और दाऊद राजा बना दिया गया, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर ने ठान रखा था वो पूरा करके दिखाया। याद रखना, जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने आज आपके लिए कर दी है, वो जो पवित्र आत्मा ने ठान लिया है, आपकी मेहनत देखने के बाद, आपके मुंह के अंगीकार देखने के बाद, आपका देखने के बाद, आप कैरेक्टर में आपके रिलेशन है कि नहीं, परमेश्वर के साथ आपने अपने चरित्र के अंदर रिश्ता बनाया है कि नहीं, अपने प्रार्थना में रिश्ता बनाया है कि नहीं। अगर आपने रिश्ता बनाया है तो याद रखना परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा जो ठान लिया आज रात वो पूरा करके रहेगा तुम्हारी लाइफ से। तुम बढ़ोतरी करोगे, तुम ग्रोथ करोगे, तुम्हारे बिजनेस ग्रोथ करेंगे, तुम्हारे बच्चों के रास्ते खुलेंगे, तुम आशीर्वाद में बदले जाओगे। आमीन बोलने वाले, कह रहा नथिंग कैन स्टॉप। सीख क्या था, बोलने नहीं जा रही, क्या कह सकते हैं आगे, चल सपना थोड़ी मदद कर। नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर का प्लान कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन से। yes, amen. कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। yes. अगर उसने ठान लिया वो आपकी जिंदगी में वो देकर रहेगा जो आप मांग रहे हैं। amen. बोला हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सिर्फ क्या करना, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं जा रहा था एक बार सुसाइड करने, मेरे काम सारे उल्टे होते थे, और जब मैं सुसाइड करने जा रहा था तो मुझे एक आदमी सड़क पर मिला, उसने मुझे गोस्पल दिया और उसने मुझे कहा, कह रहा हेलो, मैंने कहा हाँ, कह रहा ये पढ़ लो, मैंने कहा क्या है ये, कहता यीशु मसीह की पुस्तक है, मैंने कहा अच्छा, कहता आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैंने कहा क्या, कह रहा जब आप प्रार्थना करोगे हॉस्पिटलों पर ताले लग जाएंगे। मैंने कहा ये क्या कह रहा भाई, अरे तो मैं तो ट्रेन के नीचे कूदने जा रहा, ये मेरे लिए ये बात कह रहा कि तुम करोगे। मैंने कहा इसका दिमाग खराब है, मैंने तो अमेरिका का अप्लाई कर रखा, और अगर अमेरिका का लग गया तो ठीक, मैं ऐसे करता जा रहा था, नहीं तो मैं ट्रेन में कूद जाऊंगा क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। मेरे अंदर ऐसा चल रहा था क्योंकि मेरे सारे काम फ्लोप हो जाते थे, मैं निराश था, मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं बचपन में, मैं अपने जिंदगी में, मैंने फोटो में बहुत सारी फोटो में थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक ही फोटो रखता था अपने पर्स में, वो भी कभी कभार देनी पड़ती तो बस, बाकी सारी फोटो में जो होती थी सारी फाड़ के फेंक देता था क्योंकि मैं इतना काला था मैं। और मेरा नाक ऐसे टेढ़ा था, मैं सोचता था शायद मैं अच्छा नहीं हूं, मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता, मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, और मैं फोटो को देख कर फाड़ दिया करता था। लेकिन उस लड़के ने मुझे कहा, कह रहा तू देश में पूरी दुनिया में एक महान पुरुष हो जाएगा। आमीन। मैंने कहा यार मैं फोटो देखा मैंने, ऐसा तो कोई प्लान है ही नहीं। कह रहा नहीं, परमेश्वर ने प्लान किया हुआ है। मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं उस ईश्वर को। उसने कहा फिर जानने की कोशिश कर। और थोड़े दिन के बाद एक ऐसी सिचुएशन हुई, मैं एक पादरी के पास गया और मैंने कहा पादरी धीरे जैसे भविष्यवाणी हुई है तू भी करेगा कुछ। उसने कहा बपतिस्मा ले, तेरे पर आशीर्वाद आएंगे आपसे। और मैंने ले लिया, और जैसे ही बपतिस्मा लिया मैंने कहा, मैं जा रहा था, मैंने कहा बड़े आशीर्वाद आएंगे, 3 बार जेल में डाल दिया। मैंने कहा ये क्या। वो क्या भविष्यवाणी कर रहा था, और एक आदमी को ऐसे सुसमाचार सुना रहा था हरियाणा में, उसने कहा ये मेरा धर्म बदर्रा जी, उसने अंदर डाल दिया। मैंने कहा ले खाम खाई। मैंने कहा मुझे ही टकरना था ये बेवकूफ सा। हम कई बार सोचते हैं ऐसा कि शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। हो सकता है आप मसीह में आए हो और आपके काम उल्टे होते जा रहे हो, आप मसीह में आए हो उल्टा होता जा रहा बार बार, उल्टा होता जा रहा बार बार। उसके बाद मेरे डैडी ने कहा, कह रहा चल मेरे साथ सत्संग में। मैंने कहा नहीं, मैंने यीशु मसीह को ले लिया है। कह रहा 3 बार छुड़ा के लाया हूं तेरे को। मैंने कहा कोई नहीं, तू अपनी प्रार्थना कर, मैं अपनी प्रार्थना करता हूं। मैं कोठे प्रार्थना करने गया, ऊपर से मकान की छत गिर गई। मेरा बाप कह रहा ये क्या। मैंने कहा प्रार्थना कर रहा था। कहता ये कैसी प्रार्थना है। मैंने कहा यार ये ऊपर वाला क्या कर रहा। दोष किसको देते हैं हम, ऊपर वाले को। ये क्या किया। एक पति पत्नी की लड़ाई हुई और पत्नी कह रही ऊपर वाले ये मुझे ही देना था ऐसा, ए मैनू ही मिलने दिया जा।
मैनू ही मिलना चाहिए, यहो जहा दिता मैनू। परमेश्वर ने कहा लो मेरी स्तुति नहीं करी, मेरे से पूछा था। आजकल माँ बाप क्या बोलते हैं, माँ बाप क्या बोलते हैं, बच्चा जब खराब हो जाता है, हाय हाय मैनू ही देना सी ए हो जा। परमेश्वर ने ले मेरा ही कसूर। पहले कह रही बच्चा नहीं, अब कसूर मेरा। कह रहे कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए परमेश्वर ने जो ठाना है वो आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होता। आप कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, मैं ही क्यों मिली ऐसी, मैं ही कलमोई हूं क्या? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? परमेश्वर कह रहा है कि मैंने ठान लिया है तेरे जीवन से कोई बहुत बड़ी योजना है मेरे। आमीन। और मैं ऐसे निराश होता जा रहा था, और इसी समय जब मेरे बाप ने कहा निकल जा मेरे घर से, चल भाग यहां से, कह रहा जिस दिन से आया उसका नुकसान ही नुकसान, नुकसान नुकसान हो रहे। मैंने मुझे उस बंदे की बात याद आई, जब तू प्रार्थना करेगा हॉस्पिटलों में ताले लग जाएंगे, तू बहुत फेमस हो जाएगा। मैंने कोई फड़ी मार के चला गया मेरे लिए। आज से 11 साल पहले मैंने कहा फड़ी मार कर चला गया, लेकिन मैं रो रहा था छत पर खड़ा हुआ। मैं कह रहा था परमेश्वर को कब आएगा वो दिन नहीं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि तूने ये क्या किया, क्योंकि मैं जानता था मेरे मुंह से निकला ही नहीं ये बात, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था मेरी जिंदगी से। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ये क्या किया, उपवास करके जा रहे होते हैं, रास्ते में मोटरसाइकिल से गिर गई, पति ने भाई साहब शराब पी रखी, क्यों बैठी पहले शराब पीने वाले के पीछे, और उसने मोटरसाइकिल से गिरा दिया, करी ऊपर वाला क्या कर दिया, उपवास में थी ना। परमेश्वर कह रहा है यार ये क्या बात है, गिरते हो नाम मेरा, खाते हो नाम मेरा। एक आदमी को लूज मोशन लग गई, डॉक्टर ने कहा दवाई खा रहा टॉयलेट से बाहर नहीं आ रहा, करा ऊपर वाले ये क्या किया तूने, वहां भी परमेश्वर का कसूर। हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर इतना अतिया गया, इतना गुस्सा हो गया, वो कहता मेरे बस के नहीं रहे लोग। उसने आदम को कहा, कह रहा है कि मैंने लोगों को, कह रहा है इनसे मैं इतना तंग हो गया हूं, अब मैं मनुष्यों की उम्र 120 साल बनाऊंगा, इनकी बात कहता बस मैं 120 साल तक सुनूंगा, इससे ज्यादा मेरे बस के नहीं रहे ये लोग। फिर उसके बाद दाऊद के टाइम में परमेश्वर ने कहा, कहता यार मेरे बस के नहीं रहे, कहता कि ज्यादा, कहता है ये 70 साल ही उम्र ठहरे इनकी, किसी की 70 होती है, अब तो 100 बड़ी मुश्किल से जाता है। कारण आपका मुंह, आपने परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, और थोड़े दिन के बाद। लेकिन मैं हमेशा, मेरे साथ के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे दोस्त सब बोलने लगे, कह रहे कि क्या मिला तुझे यीशु मसीह में, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है तेरे साथ, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ रोज तेरे साथ गलत हो जाता है। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है मेरे जीवन से, और आज वो प्लान को मैं देखता हूं परमेश्वर के। क्या मैं कह रहा हूं जर्मनी क्या, कोरिया क्या, पाकिस्तान क्या, मैं कह रहा हूं कि इंडिया क्या, अमेरिका क्या, कोई कंट्री ऐसी नहीं है। मेरे पास मेरे ऑफिस में गवाहियों की लाइन लिस्ट पड़ी है, फाइल पड़ी है, कि हर कंट्री के लोग यहां पर आकर फोन पे प्रार्थना कराकर चंगे हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोगों के आज HIV की गवाहियां आई चर्च में सुबह, कैंसर के पेशेंट आजाद हो गए। अमृतसर से एक फैमिली आई और उसने आकर कहा, कहते कि मेरी मम्मी, वो सरदार भाई विश्वास नहीं करता था, राजस्थान से आया, उसने कहा कि मेरी वाइफ को, मेरी मम्मी को कैंसर था, लेकिन हम YouTube पर देख रहे थे, विश्वास से आए, आपसे ले एंड प्रे कराया, कह रहा 7 दिन के अंदर कैंसर रिपोर्ट नॉर्मल होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कह रहा डॉक्टर ने कहा था तेरी मां मर जाएगी, मैंने कहा रहा कैसे हो जाएगा। कह रहा उसके बाद कहता उस डॉक्टर की दुकान पर कहता ग्राहक जाना बंद हो गए हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। कह रहा है जिसको बच्चे नहीं मिलते, मेरे पास यहाँ पर 100 लोगों की हर संडे गवाही होती है, बच्चे हो चुके हैं यीशु के नाम में, हजारों गवाहियां मेरे पास। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की जो योजना आज से 11 साल पहले मेरे लिए थी, वो परमेश्वर ने पूरी करके दिखाई। भले उसके अंदर को मैंने दुख उठाया, बट भले मैंने मुसीबतें उठाई, लेकिन मैंने परमेश्वर के प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखा। मैंने उन चीजों से समझौता नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी गवाहियों को संभाल कर रखा। आज आपको विश्वास करना है कि अगर आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर के साथ चलने के बाद आपको मुसीबतें आ रही हैं, तो आप कभी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकते। अगर आप फेमस आदमी बनना चाहते हैं, याद रखना परमेश्वर जब किसी के जीवन से प्लान पूरा करता है तो हलवाई की दुकान नहीं, कर पूरी दुनिया में एक बड़ी मिठाई की दुकान भी खुलवाएगा यीशु मसीह के नाम में, कर पूरी दुनिया में मशहूर करता है। याद रखना दाऊद को पूरी दुनिया में इसराइल का राजा बना दिया परमेश्वर ने,
और उसके बाद कह रहे कि मूसा के लोग कह रहे हैं, इसराइली लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर ने ठान लिया था जब वो मिस्र की गुलामी में थे 430 साल की गुलामी में कि मैंने बाहर छुड़ाऊंगा, लेकिन उन्हें छुड़ा कर लाया और छुड़ाने के बाद रास्ते में जब 3 दिन खाना नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, तो उस समय वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बड़ाने लगे, बोलते ले इस दिन के लिए लेकर आया था ऊपर वाले हमें बाहर, ऊपर वाले को दोष दिया और कुड़कुड़ाए, और परमेश्वर ने कहा अब इनमें से कोई भी कनान देश नहीं जाएगा। परमेश्वर ने ठान लिया था लाखों लोगों की कलीसिया कनान देश में जाएगी। कह रहे कि दूध दही का हरियाणा, दूध दही का खाना मारा हरियाणा, हम ऐसा बोलते हैं। वो कनान देश ऐसा था कि वहां पर बड़ी ब्लेसिंग थी, फ्रूट थे, हर चीज थी वहां पर। परमेश्वर ने कहा मैं अपने बच्चों को भूखे प्यासे वाली जगह पर नहीं रखूंगा, आशीष जगह पर रखूंगा। उसने ठान लिया था, उसने आज आपके लिए भी ठान लिया है। कह रहा है कि आप कहीं भी रहते हो, कह रहा है दूध की नदियां बहा दूंगा आपके पास, कह रहा आशीष बहा दूंगा आपके पास, उसने ठान लिया है। लेकिन वो दाऊद कह रहा मूसा, और उसी समय मूसा जब जंगल में लेकर जा रहा था उन्हें, तो उस समय में वो 11 किलोमीटर का सफर था, मैं कहूंगा 1 दिन का सफर था बाहर निकलने का, लेकिन वो कुड़कुड़ाए बुड़बड़ाए मूसा के ऊपर, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे। मैं कह रहा हूं कि उनके मुंह का ही, उनका मुंह ही उनके लिए रुकावट बन गया, और परमेश्वर के प्लान को पूरा नहीं देख पाए वो अपनी जिंदगी के अंदर। और परमेश्वर ने उन सब इसराइलियों की कब्र जंगल में बना दी, सिर्फ 2 लोग हारून और कालेब, कह रहा कि सिर्फ 2 लोग कनान देश के अंदर गए। इसका मतलब कह रहा कि आज बहुत सारे लोग अपनी में मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्लान है और आपकी जिंदगियों से, लेकिन बहुत सारे लोग आज प्लान को पूरा करा कर जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उस प्लान को छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि वो लोग आज भी अंदर से कह रहे कि कोसते हैं अपने आप को, कोसते हैं परमेश्वर को। कह रहे कि जो लोग बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं कि मेरा समय कब आएगा, मेरा बच्चा कब होगा, मेरा घर कब मिलेगा, मेरा परिवार कब बनेगा, मेरा ये काम कब होगा, परमेश्वर कह रहे कि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का प्लान लेट होता है, याद रखना। कह रहे कि अगर आज आप कि परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में पूरा हो, तो आज अपने हाथों को उठाना है और विश्वास करना है, आज मुंह से कहना है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा कोई प्लान मेरी जिंदगी में, बहुत बड़ा प्लान है मेरी जिंदगी में, हालेलुया, मैं मेहनत करूंगा परमेश्वर, मैं अपने करैक्टर में, अपने चरित्र में सुधार करूंगा, तो मेरी जिंदगी में कोई बड़ा काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर लाइफ, कोई प्लान परमेश्वर का आपकी जिंदगी में पूरा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई माइका लाल आपके प्लान, परमेश्वर के प्लान को रोक नहीं सकता। शाऊल परमेश्वर के प्लान को रोकना चाहता था दाऊद की जिंदगी से, उसे मारना चाहता था, लेकिन वो खुद मर गया। आज हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार, आपका दुश्मन आपको मारना चाहता हो, कहता हो आपको गुमराह कर रहा हो, आपके विचारों में शैतान गुमराह कर रहा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्यवाणी को सुन लिया हो। याद रखना जो परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा है कोई भी माइका लाल आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में आपके परमेश्वर के प्लान को कैंसिल नहीं करता, आपकी जिंदगी से नहीं कर सकता वो यीशु मसीह के नाम में। आज आप अपनी आशीष को खुलता हुआ देखेंगे। हम देखें पहला पत्रस, आप कौन है, इस वचन में आपको पता लगेगा आप कौन है। अपने पड़ोसी को पूछो कौन है तू, हाथ मिला के पूछो कौन है तू। पहला पत्रस 2:9 पढ़ेंगे, अपने पड़ोसी से पूछो कौन है तू, ये बोलते कि मैं मायावती हूं, कौन हो आप, मैं सुखविंदर हूं, मैं राजविंदर हूं, लेकिन वचन क्या कर रहा है, कह रहा है तुम एक चुना हुआ वंश हो, हालेलुया, हालेलुया, कौन हो तुम, चुना हुआ वंश, अरे कौन हो तुम, अरे चुने हुए हो, अरे चुना हुआ पाप नहीं करता, चुना हुआ झूठ नहीं बोलता, चुना हुआ गाली नहीं देता, चुना हुआ शराब नहीं पीता, चुना हुआ ठट्ठा नहीं करता, चुना हुआ जानता है कि मुझे अपने परमेश्वर के साथ चलना है। कह रहा अगर तुम चुने हुए हो, कह रहा चुना हुआ दूसरों के घर जाता है, उसको सुसमाचार सुनाता है, चुना हुआ कह रहा गवाहियां देता है, तुम चुने हुए हो, तुम माला नहीं हो, हेलो तुम माला नहीं हो, तुम चंपा नहीं हो, तुम रेखा नहीं हो, तुम चुनी हुई हो, कह रहा तुम चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज हो, हालेलुया, हालेलुया, कह रहा तुम्हारे समाज में, तुम्हारे वंश में राजा ही पैदा हुआ करेंगे, हालेलुया, आमीन। आपके घर में अगर आप अपने अंदर ये बात याद रख लें कि मैं चुना हुआ हूं परमेश्वर का, और मेरे घर में राज गद्दी पर बैठने वाले लोग पैदा होंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर ने दाऊद को चुना और उसके बाद कह रहा उसके लड़के को भी गद्दी पर बैठाया, सुलेमान को भी गद्दी पर बैठाया, और उसी के वंश में यीशु मसीह पैदा हुआ, राजाओं का राजा बना, हालेलुया। याद रखना परमेश्वर ने जिससे प्रेम कर लिया, जिसके लिए ठान लिया, अगर आपका किसको किसके लिए ठानने का परमेश्वर, जिसका करेक्टर सही होगा, कह रहा कि जिसके, हाँ फिर से दिखा स्क्रीन पर,
और इसी समय कह रहा है जिसका करैक्टर सही होगा, लिखा निज प्रजा हो तुम मेरी, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, कह रहा उसके गुण प्रकट हो जाएं तुम्हारे अंदर। हालेलुया। कह रहा है अगर उसके गुण तुम्हारे अंदर मिले, कह रहा है कि मैं चुने हुओं को आज रात कह रहा है कि बड़ी कुर्सी पर बिठा दूंगा। आमीन। कह रहा आज रात अगर चुने हुओं के अंदर, चुने हुओं के अंदर कौन है? कह रहा तू है चुनी हुई। अपने पड़ोसी को पूछो कौन है तू? माला नहीं है तू, चुने हुए हो। हालेलुया। तुम चुनी हुई दीवार नहीं हो, भीत नहीं हो कोई, तुम परमेश्वर के चुने हुए हो। तुम लोगों के लिए शांति के दूत बनोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। ये आशीर्वाद आज तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूँ, विश्वास करना है। हालेलुया। कह रहा बहुत सारे लोग जो तुम्हें तुझ जानते हैं, जो तुम्हारे विचार तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग अंदर से विचार शैतान उसको घायल कर रहा है उसके विचारों से, और कह रहा है तू कुछ नहीं कर सकता, तू मां नहीं बन सकती, चल छोड़ना, कितनी बार यहां चर्च आई, कुछ नहीं होने वाला, यीशु कुछ नहीं देने वाला। परमेश्वर कह रहा है मत जा, तेरे जीवन से बहुत बड़ा प्लान है। हन्ना वापिस जा रही थी, उसको बच्चा नहीं मिला, औलाद नहीं मिली, हन्ना रो रही थी परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा हन्ना को, हन्ना तेरे जीवन से बहुत बड़ा प्लान है, और जिस समय हन्ना टिकी रही और प्रार्थना करती रही, और उसने कहा परमेश्वर मैं तो तेरे पास आंस लगा कर आई हूं, मैं जानती हूं कि तेरा कोई बहुत बड़ा प्लान है। और हन्ना को जो बच्चा मिला वो एक प्रॉफिट हुआ, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ। आमीन। उसके द्वारा कह रहा गरीब लोग आए, राजा कह रहा गरीब लोग आए, भेड़ बकरियां चगाने वाले, कह रहा कि शाऊल को और दाऊद को उसके द्वारा दो लोगों को राजा बनाया उसने। हालेलुया। याद रखना आप वो लोग हैं, आपकी प्रार्थना से, आपके देखने से, आपके मुंह से आशीर्वाद देने से, आपके पड़ोसी के, आपके रिश्तेदारों के, आपके खुद के बच्चे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर ऑफिसर की लाइन में खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम में। आप चुने हुए हो, आपके अंदर कोई है? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे अंदर कोई है? भूत नहीं है, वो तो मुझे तंग करती है रात को, कोई है? अरे होगी। एक साइड जब यीशु अंदर आता है भूतनी भाग जाती है। हालेलुया। आपके अंदर अंधेरा हो सकता है लेकिन लाइट जब आती है तो अंधेरा भाग जाता है। हालेलुया। याद रखना ये परमेश्वर है, तुम चुने हुए लोग हो, और चुने हुए आज रात कर कहीं से कहीं जाएंगे, अपने प्लान को तो पूरा होते देखेंगे। आज इतने आमीन बोल रहे हैं उनकी जिंदगी में एक बड़ा मकसद परमेश्वर का पूरा होगा। आप विश्वास करें वो मकसद परमेश्वर पूरा करने के लिए जा रहा आपकी लाइफ से। क्या आप तैयार हैं? अय्यूब 9:10 में कि अय्यूब के पास करें कि अय्यूब के पास एक भविष्यवाणी आई और परमेश्वर ने कहा अय्यूब तेरे ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। अय्यूब की पत्नी चोरी हो गई, अय्यूब के लिए जब भविष्यवाणी हुआ उसके बाद जब अय्यूब प्रभु में आया उसके बाद क्या हुआ? उसका बिजनेस चौपट हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसका बैल पशु मार दिए शैतान ने, उसके साथ प्रॉब्लम आई, उसकी पत्नी आई और कहने लगी, उसके दोस्त आए और कहने लगे क्या कर रहा है? उसने कहा परमेश्वर का नाम ले रहा हूं, कहती छोड़ दे इस परमेश्वर को जो हमारा सब कुछ खा गया। कहता है इतना दुख किसने हमें क्यों दिया? कहता है तुम नहीं जानती, क्योंकि वो कुर्डी पर बैठकर उसके मुंह पर फोड़े हो गए थे, फोड़े इतने बड़े बड़े, और आपने देखा ऐसे करके फोड़ रहा था, तू नहीं जानती, किले मार रहा था, किले पता ना आपको औरतें कैसे निकालती हैं, फोड़े मार रहा था, तिनका उठाकर कह रहा था तू नहीं जानती। कहता है गुस्सा नहीं हो रहा हूं, पीप निकाल रहा हूं, तू नहीं जानती परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है मेरे जीवन से। उसने कहा कि ये क्या प्लान है? तेरा एक बच्चा मर गया, बिजनेस चौपट हो गया, हम गरीब हो गए और कुर्डी पे आ गया तू। कुर्डी पता ना यूपी में कुर्डी होती है गोबर की, गोबर की कुर्डी, गोबर की कुर्डी पर बैठकर ऐसे फोड़े फोड़ रहा था, थीश, थीश। ये नहीं कह रहा था ऊपर वाले क्या कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा छोड़ दे, उसने कहा क्या जिस हाथ से हम, देखो क्या लिखा, उसने कहा ए मूर्ख स्त्री की सी बातें क्यों करती है, फोड़े फोड़ रहा है, कह रहा है क्या बात कर रही है, और क्या कह रहा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या उसके दूसरे हाथ से दुख ना ले। कहता है इन सब बातों में अय्यूब ने पाप नहीं किया, अपने लिखा अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, क्या लिखा वहां पर, उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, और उसने कहा तू छोड़ दे, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ने वाला, तू मुझे छोड़ दे,
मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुझे नहीं पता परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है मेरी जिंदगी से। और परमेश्वर इतना खुश हो गया, पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी आदमी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने लगे, उसकी प्रार्थना से आशीषित होने लगे। अय्यूब को बारे में परमेश्वर ने प्रशंसा किया, कह रहा शैतान देख ऐसा दास तुझे दिखा कहीं आज तक? कहता कि नहीं दिखा। कह रहा तूने इसके चारों ओर सरदूतों का बड़ा लगा दिया है। हालेलुया, याद रखना थोड़ा सा दुख अगर आया है, लेकिन आज रात के बाद वो सारे दुख खत्म होने वाले हैं। चर्च आमीन। जितनों के अंदर करा जिनको ये बात समझ में आ गई है मैं चुना हुआ हूँ, अगर मेरे जिंदगी में कोई दुख ना आता तो आज आप यहाँ नहीं आने वाले थे। अगर आपकी जिंदगी में कोई परिस्थितियां खराब ना होती तो कह रहे हैं कि आप विश्वास करें, परमेश्वर आपकी ओर मुंह नहीं करने वाला था, आपको चुनने वाला नहीं था। उसने दरिद्रों की ओर, उसने कंगालों की ओर, उसने बीमार लाचारों की ओर मुंह करके उन्हें आशीर्वाद देने का, शांति का आशीर्वाद देने का फैसला ले लिया है। आज से ठान लिया है कि मैं इनका फेवर करूंगा। जो कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं, जो समस्या में हैं, जो बेकार हो चुके हैं, जो सताए गए हैं, त्यागे नहीं गए, परमेश्वर कह रहा है कि आज रात मैं उन्हें फिर से उठाकर खड़ा करूंगा। मैंने ठान लिया है, ठान लिया है मेरे परमेश्वर ने। आज रात कोई आपकी जीवन से बहुत बड़ी योजना परमेश्वर पूरी करने वाला है। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी परमेश्वर को छोड़ता नहीं है, वो कहता है परमेश्वर की योजना पूरी होगी। मैं कह रहा हूं कि मैं सड़कों पर रहा, ट्रेनों में सोया, नैनों में सोया, इधर उधर धक्के खाए, पार्क में सो गया, रोटी मिली ठीक, नहीं तो हॉस्पिटल में सो गया, क्योंकि मैं जानता था परमेश्वर का प्लान मेरे जीवन में है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं वही लोग मेरे पास आते हैं, प्रार्थनाएं कराते हैं, मेरे दोस्त मुझे दूर से देखते हैं यूट्यूब पर, और कभी अड़ जाते हैं तो प्रार्थना कराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं आज, कह रहा कि अगर आज भी आपको समझ में नहीं आया तो तुम चुने हुए लोग हो। चुने हुए कभी भी नीचे वाले स्थान पर नहीं बैठते, कह रहा राजा वाले स्थान पर बैठते हैं। कह रहा राज, कह रहा तुम उस वंश के लोग हो, उस वंश के लोग हो। अपने अंदर के फैसले को आज चेंज करो, अपनी किताब को चेंज करो, अपने माइंड को, अपने फ्रेम को चेंज करो आज। कह रहा तुम आज रात कुछ बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब बनाएगा परमेश्वर? लिखा मत्ती के 21:19 में कि अंजीर के पेड़ के पास जब यीशु मसीह आया और उसी समय वो पेड़ को देख रहा था, लेकिन यह कह रहा वो पेड़ को देखने नहीं आया, पत्ते को देखने नहीं आया, वो कोई आपके महंगे से महंगे कपड़े को, मोबाइल को देखने के लिए नहीं, आपकी महंगी गाड़ी को नहीं देखने के लिए आया, वो सिर्फ कह रहा है कि उस पेड़ पर देखने आया था फल है कि नहीं। आज बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, आप मसीह में, हालेलुया, हालेलुया, कह रहा है आपको देखने आया है यीशु मसीह, कह रहा है कि ये नहीं देखने आया तू कितनी सुंदर है, तू कितना सुंदर है, तेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, कितने महंगे महंगे मोबाइल रखता है। बहुत सारे लोगों को देखने के लिए नहीं आया, कहता है वो ये देखने आया है इसके अंदर फ्रूट है कि नहीं परमेश्वर का, इसके अंदर गुण है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि यही समय चल रहा है। कह रहा अंजीर के पेड़ के पास, कह रहा जब उसने फल नहीं देखा उसने कहा आज के बाद ये सूख जाए। कह रहा याद रखना जो फल नहीं लेकर आता वो काट दिया जाएगा, वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। कह रहा मसीह जीवन एक, कह रहा कि आपके सामने अगर मसीह जीवन, कह रहा सिर्फ ये बात याद रखना जिसके जीवन में परमेश्वर ठान लेता है, जो सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति होगा, जो गवाही देने वाला व्यक्ति होगा। अगर पूरे साल में आपने नहीं किया तो ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, आप सड़क पर मोहल्ले में सुसमाचार बांटते चले जाओ यीशु मसीह नासरी का। मैं कह रहा हूं वो ठान लेगा आज रात आपकी फैमिलियों में जिसने नुकसान किया है बंद करेगा और आपको ऊपर लेकर आएगा, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से ऊपर करेगा, जिसने आपके नाम धराई किया है, बोलने दे पहले, जिसने आपके नाम धराई किया है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करेगा उन्हीं के सामने। दाऊद को कहा मैं तेरे लोगों के सामने, तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा, तू तीन बार तू हंसेगा। अपने पड़ोसी को बोलो तू तीन बार हंसेगा, हंसो। आप रो रहे थे, दाऊद को परमेश्वर ने कहा कह रहे कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा, तू हंसेगा। दाऊद कह रहा है कि मैं तो जंगल में हूं, मुझे घर से निकाल दिया मेरे बच्चों ने। कह रहा है तू हंसेगा आज रात, तू चुना हुआ है, एक बड़ी गवाही आएगी, तुम हंसोगे अगले दिन यीशु के नाम में। कह रहा है इस क्रिसमस पर हंसोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन किसको? कह रहा है उसने बता दिया, कह रहा है कि जो मेहनती होगा, परमेश्वर मेहनती लोगों के लिए ठान रहा है दिमाग में, मेहनती है सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए, गवाही देने के लिए, मेहनती है अपने करेक्टर को संभालने के लिए, गुण को संभालने के लिए। परमेश्वर का गुण आपके अंदर है, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। एक लड़की मेरे पास आई और वो कहने लगी पापा मेरे को ना मेरे माँ बाप बड़े तंग करते हैं, मसीह में जाती है तू छेड़ते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे तंग करते हैं, मुझे कहते हैं
कुछ जाती है, कह रही मैं बड़ी टूट गई हूँ, मैं सोच रही हूँ ये तो माँ बाप आ जाए नहीं तो फिर मैं चर्च ही ना हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बहन उनको नहीं पता, कह रहा है कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल होता है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है तेरे ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है। अगर तू सताई जा रही है तो इसका मतलब ये मत सोच परमेश्वर ने तुझे त्याग दिया है, तुम त्यागे नहीं हो, बेशक सताए गए हो, लेकिन थोड़े दिन के अंदर तू अपने घर में मेज बिछाएगी, आनंद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नकली हंसी हंस सकते हैं मेरे साथ? बोलो चुप, नकली नहीं असली हंसी हंसना है। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? उसके माँ बाप बोलते थे कि ये क्या हो गया, और थोड़े दिन के बाद उस लड़की की गवर्नमेंट जॉब लगी, वहां बैठ कर कह रही है पापा मैं वीडियो कॉलिंग कर सकती हूँ। मैं कहूँ वाए क्या हुआ? कहती है कि देखो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ हंस रहा है, आनंद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे यीशु ने किता, तेरे यीशु ने किता, किन्ने किता? अपने पड़ोसी ने दसो किन्ने किता? अपने पड़ोसी को बोलो खुश किता ही होए, तीन बार बोलो खुश किता ही, खुश किता ही, खुश किता ही। बोलो यीशु ने, यीशु खुश किता ही होए। मैं कह रहा हूं थोड़े दिन में खुशखबरी आएगी, चर्च ठान लिया परमेश्वर ने। आमीन। कह रहा है जो कई लोग ऐसे बोलते रहते हैं पता नहीं परमेश्वर कब सुख देगा, तीन साल हो गए दुख को देखते हुए, कलप गई हूं मैं। अंदर से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के लिए मैंने ठान लिया है, इन्हें मैं गिलास नहीं बनाऊंगा, थाली नहीं बनाऊंगा, इन्हें मैंने चम्मच बनाऊंगा, चम्मच। सुन रहे हो? कुमार क्या करता है? कुमार अपनी मर्जी से बर्तन बनाता है। चम्मच कहता है हेलो मेरे को कटोरी बना, हेलो कटोरी कहता है कटोरी, हेलो मैनू मैनू ना मैनू थाली बना दे, मैनू डोंगा बना दे, मैनू खिंच, मेरा ढिड बड़ा वड्डा है, डोंगा बना दे। कुछ नहीं बनाने वाला तुम्हें वो। आए बड़े, आपको जब बनाएगा जब आपके अंदर परमेश्वर के गुण होंगे। आपको जब बनाएगा जब आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा के नौ प्रकार के फल होंगे। अगर आपका आत्मा के नौ प्रकार के फल संयम, धीरज, विश्वास, भलाई करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आज सच्चाई पर खरा ईमानदारी कह रहा आपके अंदर है तो परमेश्वर कह रहा है, कह रहे हैं आपके अंदर एक भी करेक्टर परमेश्वर ने देख लिया मिलता जुलता यीशु मसीह के साथ, याद रखना ठान लेगा आज रात आपके वंश में यीशु आ जाएगा आपके वंश में आज रात, और कह देगा पूरी दुनिया के सामने कि मैं इन लोगों को सबके सामने फेमस करूंगा आज रात। आमीन। मेरी माँ का जब नाम तारा था मैं हंसता था, मैंने कहा क्या नाम रख दिया मेरी नानी ने, और मेरी मौसी उसकी बहन का नाम रख दिया केला, मैंने कहा इसका दिमाग खराब है। तारा केला, मैंने कहा ये क्या नाम रख दिया। मासी को बोलते थे के केला इधर, और माँ को बोलते थे तारे इधर, मैंने कहा ये क्या नाम है। लेकिन एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, उसमें लिखा यूसुफ को 11 तारे दंडवत करने के लिए आए। मैंने कहा इसका मतलब मेरी माँ का नाम स्टार है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब मेरी माँ ने जो सहा है, जिस अगर ये मेरी माँ मेरे प्रभु में आ गई तो उसके बाद मेरी किस्मत बहुत खुलने वाली है, याद रखना। क्योंकि परमेश्वर पहले माँ बाप के द्वारा कहता है अपन उन लोगों के घर में आशीर्वाद को उड़ेलता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे अब्राहम के बच्चों को आशीर्वाद मिलता चला गया, कह रहे कि इसहाक के बच्चों को आशीर्वाद मिलता चला गया, याकूब के बच्चों को आशीर्वाद मिलता चला गया। परमेश्वर ने उनके ऊपर चक्कर थे, चक्कर अब्राहम के ऊपर चक्कर, उसके पास बच्चा नहीं है लेकिन चक्कर। कह रहे फिर इसहाक के साथ भी वही चक्कर, उसके पास भी बच्चा नहीं है, उसके बाद बच्चा हुआ लेकिन उसके बाद याकूब के पास भी कह रहे कि बच्चा नहीं है। कह रहे कि अरे काफी साल जब बच्चे नहीं हुए, कह रहे उनको चक्कर समझ में आया, कह रहे कि आज तो कह रहे कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग निराश नहीं होते। उन्होंने कहा इसका मतलब जो बच्चे लेट होते हैं कोई परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान पूरा करने के लिए आते हैं। हालेलुया। जो माँ गर्भवती लेट होती है इसका मतलब करा उस गर्भ में कोई स्टार पैदा होने वाला है, याद रखना। अगर नौकरी नहीं मिल रही है, लेट मिल रही है, कोई बड़ी नौकरी देना चाहता है मेरा परमेश्वर। करा कोर्ट केस खत्म नहीं हो रहा इसका मतलब परमेश्वर तुझे किसी स्थान पर आशीषित करना चाहता है, याद रखना। करा अगर आपका ब्याह नहीं हो रहा, परमेश्वर कोई अच्छे आदमी से रिश्ता कराना चाहता है, याद रखना। पवित्र आत्मा कोई बड़ा प्लान करना चाहता है लेकिन कब करा, इसलिए करा परमेश्वर आपको टाइम लगा रहा है, करा आपके अंदर देखना चाहता है वो गुण, करा कि जो गुण आप परमेश्वर ने दिए, करा आप वो लोग हैं, करा कि जो आज से तुम करा कि स्टार बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। यूसुफ के साथ उत्पत्ति की किताब उसकी
41 के 43 में क्या हुआ, यूसुफ पिछले परमेश्वर ने ठान लिया है मैं तुम्हें आज चाय बना के भेजूंगा, हाथ लाके बता दो सो तो नहीं गए पिछले। सारे बोले हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि मेरे चर्च में ये पहला चर्च है जो रात के 12 एक एक बजे भी, मुझे 7 साल हो गए हैं, सबको पता है चंडीगढ़ में जब मैं आया 7 साल हो गए मुझे चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, इधर मैं सेवा करते हुए मिड नाइट प्रेयर में। याद रखना जो जब इसराइलियों को बाहर निकाला गया तो बाइबल बोलती है वो आधी रात का समय था। हालेलुया। जब इसराइल को बंधन से बाहर निकाला गया आधी रात का समय था, करा पौलुस और सिलास को जब बंधन टूटे करा जेल से निकाला गया तो वो आधी रात का समय था। हालेलुया। याद रखना आप आधी रात के समय में बैठे हो, आज बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई बड़ा प्लान है इस मीटिंग का, मैं तुम्हें दिन में भी बुला सकता हूं लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं है। हालेलुया। मैंने रात को इसलिए बुलाया है परमेश्वर का कोई बहुत बड़ा प्लान है आप लोगों से। परमेश्वर ने चुन लिया है आपको, आप चुने हुए लोग हैं। यूसुफ एक दिन जा रहा था, उसके लिए कुछ एक दर्शन आया और उसको दिखाया कि तू, उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, कह रहा तू दुनिया का एक बहुत बड़ा फेमस आदमी होगा। और यूसुफ चौड़ा होकर गया, बोलता है कह रहा हेलो अपने भाइयों को, कह रहा कहता पता है, कह रहा क्या भविष्यवाणी हुई मेरे लिए, कह रहा क्या, कह रहा तू बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। कहता अच्छा। उसके भाई उस दिन से उसे जलने लगे और ठाकर उसको कुएं में डाल दिया, कहते ले आजा बा बड़ा आदमी बनेगा हमारे से। कहते हम तो वो हैं कर अंडे में से चूजे को बाहर नहीं आने देते, तोड़ देते हैं हम अंडे को। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग अंडे को बाहर नहीं आने देते, अंडे में से बच्चा बाहर आता है आने नहीं देते, उसको पहले ही तोड़ देते हैं। लेकिन उसी समय उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उसके प्लान को, परमेश्वर के प्लान को यूसुफ के अंदर से वो फेल नहीं कर पाए। हालेलुया। उन्होंने, और यूसुफ हैरान हो गया, बोलता मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ था ये क्या, परमेश्वर तू तो कह रहा था कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये क्या, आज तो मौत मेरे सिर पर घूम रही है, कोई मुझे बचा भी नहीं रहा, इन्होंने मुझे कुएं में मार दिया, गेर दिया। और उसके बाद इन्होंने मिस्र के हाथ बेच दिया, और उसके बाद कह रहा पोती पर के खेत में गया, उसके बाद कह रहा फिरौन के यहां पर गया, और कह रहा रानी ने उसको जेल में डाला दिया झूठे केस में। और उसी समय जब वो झूठे केस के अंदर गया तो उसी समय निराश हो गया है, और उसी समय टूट गया है, जेल में चला गया है, और जिस समय बोल रहा है, लेकिन उसने करा अपनी कमजोरी को शैतान को नहीं दिया। उस कमजोरी में भी करा के वो परिस्थितियों में भी, अपनी गरीबी में भी, अपनी कमजोरी में भी उसने पाप के साथ समझौता नहीं किया, शैतान के साथ समझौता नहीं किया, अपने विचारों के साथ घायल नहीं हुआ। उसने कहा अपनी आत्मा में क्या तरह, लोग उससे पूछते रहे कह रहा तू तो इसराइली है, तेरा परमेश्वर कहाँ है, कह रहा अरे तेरे साथ ये क्या हो रहा है, तू तो कह रहा था उसके भाई उससे कह रहे होंगे, उसके सवाल दिमाग में घूम रहे होंगे, कह रहे मेरे लिए तो भविष्यवाणी हुआ था कि तू एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अरे बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये क्या, तू तो आज जेल में पड़ा है। लेकिन वहां पर वो सेनापति के बीच में कह रहा था, कह रहा मैं इसलिए यहां पर आया हूं क्योंकि परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है मेरे जीवन से। आमीन। उसी समय समझ नहीं रहे थे वो, और उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। हम बोल तो देते हैं अरे तुम्हें नहीं पता परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं होता कौन सी देने वाला है। आपको बोलना है बस, आपको बोलना है बस, आपका काम है बोलना और परमेश्वर का काम है पूरा करना। याद रखना आपका काम है बोलना। उसने कहा परमेश्वर मुझे एक बहुत बड़ी आशीष देने वाला है, कहता है कि परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि यूसुफ नहीं जानता था, कह रहा है कि जहां पर वो जेल में था वहां से सिर्फ एक दिन का सफर था महल में जाने का, और थोड़े दिन के अंदर कह रहा है एक स्वप्न आता है, फिरौन को डराता है और उसका भेद यूसुफ बताता है, और उसके बाद फिरौन के अंदर परमेश्वर डालता है, कह रहा है कि ये इतना बुद्धिमान, कह रहा अगर तेरे देश में तेरी गद्दी पर बैठ गया तो ये कह रहा तेरे देश को अकाल पड़ने से बचा लेगा, कह रहा तेरे देश का प्रधानमंत्री बना दे से। और उसी समय 41 के 43 में लिखा कि उसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। लेकिन करा कब करा एक ही रात में उसकी दाढ़ी काटी गई, एक ही रात में उसकी शेव बनाई गई, उसके बाल काटे गए, उसको एक ही रात में नए कपड़े पहनाए गए, और एक ही रात का सफर था, उसको उठाकर एक ही रात में महल में डाल दिया गया है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मैं कह रहा हूं एक दिन एक ही रात में अचानक आपके साथ बड़ा काम होने वाला है, एक ही रात में चमत्कार हो जाएगा, एक रात आएगी, एक ही दिन में मिराकल होगा आपके साथ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रोफेट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके, और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें
ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सबको जयमसी की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।